नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने शेयर बाजार के निवेशकों का मूड बिगाड़ दिया है। मंगलवार 4 जून को एक ऐसा समय भी आया जब निफ्टी 1900 अंक तक टूट गया। करीब 3 बजे तक निफ्टी 21,281 का लेवल लो लेवल छू चुका था और बैंक निफ्टी लुढ़कते हुए कारोबार के दौरान 46,077 के लो लेवल को टच कर गया। दरअसल निवेशक एग्जिट पोल के अनुमानों से उत्साहित थे कि और वो ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेगी, लेकिन जैसे जैसे रुझान सामने आए ये समझ आने लगा कि बीजेपी गठबंधन मुश्किल से बहुमत हासिल कर पाएगी। ऐसे में बाजार में हड़कंप मच गया और निवेशक अपने शेयर बेचकर भागते दिखे। इस बिकवाली की वजह से लगभग हर सेक्टर के शेयर क्रैश हुए हैं। इसमें पावर सेक्टर भी फिसलता हुआ नजर आया। एग्जिट पोल ने जिस तेजी से पावर स्टॉक्स को एक कारोबारी दिन पहले तगड़ा पावर दिया था, आज उससे भी तगड़ा झटका नतीजे के दिन दिखा है। बीएसई पावर इंडेक्स की अगर बात करें तो बीएचईएल तो एकदम से अर्श से फर्श पर आ गया। इसके शेयर इंट्राडे में करीबन 28% से अधिक टूट गए। करीब 3 बजे इसमें 18% तक की गिरावट देखने को मिली और ये 253.55 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। बीएचईएल की बात करें तो 5 साल में इसने 268% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 193% और 6 महीने में 45% का रिटर्न दे चुका है। वहीं बाकी पावर स्टॉक्स की भी स्थिति अच्छी नहीं रही। बीएसई पावर पर 13 स्टॉक्स हैं और कोई भी शेयर ग्रीन जोन में नहीं दिखे। सभी में गिरावट, 5% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। विंड टरबाइन बनाने वाली सुजनॉर एनर्जी के शेयर फिलहाल 5% टूटकर 47.50 रुपए के लोअर सर्किट पर आ गए। सुजनॉर ने 5 साल में 895%, 1 साल में 316% और 6 महीने में 19% का रिटर्न दिया है। वहीं 1 महीने में ये शेयर 16% चढ़ चुका है। 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक NHPC में 13% की गिरावट दिखी और ये 99.60 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। पावर ग्रिड में 12% का डेंट लगा और ये 296.75 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। CG पावर में 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और ये 615.40 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। टाटा पावर में करीब 12% की गिरावट आई और ये 403.35 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे थे। वहीं सीमेंस में 12% का डेंट पड़ा और ये 6,436 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। NTPC में 16% की गिरावट देखने को मिली और ये 330.30 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। अडानी पावर की बात करें तो इसमें भी 13% से अधिक की गिरावट देखने को मिली और ये 761.35 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। अडानी ग्रीन एनर्जी में करीब 16% की गिरावट आई और ये 1,721.80 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस भी करीब 17% टूट गए और ये 1,012.20 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। ABB इंडिया 12% टूटा और 7,703 रुपए पर ये ट्रेड कर रहे थे। वहीं JSW एनर्जी में भी 17% का डेंट पड़ा और NHPC में भी 12% तक की गिरावट देखने को मिली। पावर स्टॉक्स में निवेश करने वालों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालांकि देखना होगा कि क्या बाजार खुद को संभाल पाता है और फाइनल रिजल्ट पावर स्टॉक्स की रोशनी कम करेंगे या वापस से इन शेयरों में लौटेगी चमक। ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। बिस्तक आपको किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। बेहतर होगा कि आप जब भी निवेश करें तो वित्तीय सलाहकार की राय लेने के बाद ही करें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।